भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई किया, बिहार से बिलोंग करते हैं तो? आपने कहा था कि भोजपुरी में अगर आपको चलना है तो आपको बढ़िया सिंगर होना जरूरी है। भोजपुरी के सुपरस्टार्स के बीच भी कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अच्छा, एक यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते आप? अब आपके बहुत बड़े फ्रेंड है, फैन है, सॉरी। साइनिंग इन द सेल एक्सेल लाइक अ पोडो बेबी सॉन्ग और अ फील मी ओ विल मी कई का थी रहा था भोजपुरी का बात समझ में तो डाली के चदरिया लहरिया लूटा ए राजा। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूं द बिहारी गाइस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बिहार के बहुत ही जाने माने, बहुत ही पॉपुलर कॉमेडियन मनी महराज भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द बिहारी गाइस चैनल पे। तो द बिहारी गाइस चैनल से जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं सबको नमस्कार, सलाम आदाब। और ये भाई छपरा से आए हैं जी, और अच्छा रिपोर्टर भी हैं जी। और जैसे कि हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं आप और दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो सबसे पहले दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए अब क्या कहेंगे, मेरे पास क्या अल्फाज है, इतना ढेर सारा प्यार मिलता है कि मेरा वीडियो जो है वन डे अभी 4 मिलियन पुरने वाला है बस थोड़ी ही देर में। तो बैंड और बराती देखे हैं 4 जी, और ये वीडियो जो है मतलब काफ़ी व्यूज जा रहा है इसका, मतलब बहुत प्यार मिल रहा है, ये सब पब्लिक का प्यार है। कब से मतलब स्टार्ट करने का सोचे? देखिए सबसे पहले तो हम टिकटॉक से स्टार्ट किए थे जी, शॉर्ट वीडियो से, उसके बाद शॉर्ट वीडियो सारे बैन हो रहे थे, उसके बाद हम लोग भरोसा नहीं था उस पर, ख़त्म हो रहा था, मेहनत सोच रहे थे व्यर्थ हो रहा है, तो हम लोग यूट्यूब पे आ गए जी, क्योंकि यूट्यूब पे पूरा सिस्टम ही है, पूरा इंडस्ट्री काम करती है, तो हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे थे तब से। अच्छा टिकटॉक पे भी पॉपुलर थे, ऐसा नहीं है, टिकटॉक के बाद यूट्यूब पे हैं आप, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई किए, बिहार से बिलोंग करते हैं तो? मेरा यही ठीक है, यही प्यार मिलता है जनता का, तो भोजपुरी फिल्म में ट्राई मिलेगा कभी मौका अच्छा तो कम करें जी। लेकिन आपका आपने कहा था कि भोजपुरी में अगर आपको चलना है तो आपको बढ़िया सिंगर होना ज़रूरी है। हाँ भाई आज आप ही तो आप अपने हिसाब से देखिए ना, अगर आज की डेट में भोजपुरी का मतलब अच्छा एक्टर बनना है जी, तो बेहतरीन सिंगर भी बनना पड़ेगा, तो ये चीज़ है भोजपुरी में थोड़ा कमी, ये चीज़ है जी, जो रियल टैलेंट है वो मौका नहीं मिल पाता है, मेरा ही नहीं बहुत सारा लोग हैं जो मौका नहीं मिल पाता है, तो क्या करेंगे आज की डेट में यूट्यूब बनाएंगे। आपने कभी ट्राई किया इसमें? नहीं ट्राई नहीं किया, मैं देखता हूँ ना, जो सिंगर है वही आज की डेट में अभिनेता का रोल करता है। अच्छा आगे मैं खुद भी और हमारे दर्शक क्या उम्मीद कर सकते हैं, भोजपुरी में आपको देखेंगे या नहीं? देखिए प्यार रहेगा तो ज़रूर मिलेगा देखने को, और हम तो प्रयास करते ही हैं, बट मुझे यूट्यूब से फुर्सतें नहीं मिल रहा है जी, अगर मुझे अगर टाइम मिलता है अगर यूट्यूब से तो ज़रूर करेंगे, ऐसा बहुत सारा ऑफर आया हुआ जी। अच्छा आप लोगों की जो टीम है टोटल कितने लोगों की टीम है? हम लोग अभी टीम 8-10 आदमी काम करते हैं लोग। जैसा कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और अभी जो विवाद चल रहा है उसको लेके क्या कहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं भोजपुरी के एक बड़े स्टार हैं और बाकी कुछ यूट्यूबर्स के बीच में आपस में विवाद काफ़ी चल रहा है, और बाकी हम लोग देखते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार्स के बीच भी कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सभी लोग विवाद में रहना चाहते हैं, और विवाद में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा ट्रेंडिंग में आए, लोग सर्च करें, तो ये सब चीज़ को लेकर लोग विवाद में रहना चाहते हैं, सभी के सभी, सब लोग नहीं रहना चाहते हैं, बट कुछ लोग हैं जो विवाद में रहकर सोचते हैं कि विवाद में रहेंगे तो हमारा वीडियो जो गाने आते हैं चलेंगे खूब, लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो विवाद में नहीं रहते, लेकिन लोगों का इतना ढेर सारा प्यार मिलता है तो उन लोगों को वैसे ही खुश है, ऐसे तो ऐसे स्टार लोग है ही हैं, तो विवाद में रहने से कोई स्टार थोड़ी बनता है, अब पता नहीं एक दूसरे का लोग टांग खींचते हैं। अच्छा एक यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते आप? यूट्यूबर नहीं होते तो पता नहीं क्या होते अभी आगे आज भी हम आम आदमी है अपने गाँव में, अपना मतलब यहाँ जो साहेबगंज है, हम जिस तरह पहले रहते थे आज भी उसी तरह रहते हैं, बस वही वीडियो भी बनाते हैं तो लोग काफ़ी लोग मिलने आते हैं तो हमको अच्छा लगता है, बस ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरा एडिट ये सब कुछ मेरा शौक नहीं, नहीं नहीं। तो आज हमारे बीच में भी आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन है जो यहाँ पे आया हुआ है, जो कुछ परफॉर्म करना चाहता है आपके सामने। अच्छा अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। बिल्कुल बुला लीजिए। ये ऐसे इंसान हैं जो किसी भी धुन पे डांस कर सकते हैं, हंसना खांसना छींकना किसी भी धुन पे ये डांस कर सकते हैं। सर हम आपके बहुत बड़े फ्रेंड हैं, फैन है और सारा वीडियो देखते हैं आपका, बहुत अच्छा लगता है, और सब बताइए? सब ठीक है, बढ़िया। नहीं परफॉर्म क्या करने वाले हैं? परफॉर्म तो बकचोदी को एक्साइट करिए, परफॉर्म क्या करना चाहते हैं? परफॉर्म अभी डांस करेंगे, वो लूटा ए राजा इनका बहुत फेवरेट वीडियो है। अच्छा जो आपका देखे थे
बहुत अच्छा लगा। अच्छा रील पे? हाँ रील पे। अच्छा अच्छा वही परफॉर्मेंस करेंगे। परफॉर्म करिए, गाना बजाइए, ये सब गाना वाला डालेंगे अपने चैनल पे। एक रील बना लेंगे। रील कोई चाहे तो फेक भी स्टाइल। हाँ वो तो भाई सही है, वो रील पे बना लीजिए। रील पे बना लीजिए। यूट्यूब पे किसी का कंटेंट, किसी का गाना, किसी का म्यूजिक आप नहीं ले सकते। चाहेगा तो अपना अगर खचड़ी कर देगा तो आपका चैनल जम कर। जी जी। और कुछ कर लिया जाए, गाना सुना दीजिए कम से कम। गाना गा सकते हैं, इंग्लिश गाना, इंग्लिश गाना, इंग्लिश गाना। Signing in the selection like a photo, baby, son. Or feel me, oh, feel me. We can try to selection like a photo, baby, or बचपुरी कौन गाना? बचपुरी गाई अभी अभी आप भाई थोड़ा मुंह में आना शुरू किया। बचपुरी कौन सा सुनेंगे बताइए? भोजपुरी सब कोनो गा, खाली सोली ढोड़ी वाला छोड़। तो यही गा देते हैं आपका फेवरेट सॉन्ग, लहरिया लूटा ए राजा, मुँह पे डाली के चदरिया, लहरिया लूटा ए राजा। चलिए यहाँ पे अच्छा परफॉर्म है आपका। और किस तरह से बेइज्जत करना चाहेंगे आप इनको? जिस तरह से बेइज्जत कर दीजिए आप इनको, किस तरह से बेइज्जत करना चाहेंगे? नहीं बेइज्जत कभी करना चाहेंगे, भाई का ये टैलेंट था, सलिंग फलिंग फलिंग कुछ कुछ था। यही टैलेंट बहुत पसंद आया, आप लोग भी देखिए। और क्या करना चाहेंगे? चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे हम लोग आप थोड़ा जोरदार ताली बजा दीजिए। ताली आप लोग वो लोग पब्लिक में आप बजा रहे हैं, बजा रहे हैं खुद से ताली बजा रहे हैं। आगे हम लोग क्या क्या, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए अभी तो हम लोग कॉमेडी ही पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और आगे एक और कॉमेडी का शूट एक कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग वीडियो मतलब डालने के दो दिन बाद हम लोग रेस्ट लेते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत हो जाती है। तो देखें ही वीडियो में दो तीन रात हम लोग को जगना पड़ा है जी। तो अभी सारे लोग रेस्ट में हैं, और कल से स्टार्ट होगा वीडियो, दो दिन रेस्ट हो गया अब। अच्छा भोजपुरी की हम लोग बात कर रहे थे, आप किसे पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा भोजपुरी में? सभी पसंद है, जो किसी को कोई फेवरेट नहीं है, सब पसंद है। और क्या एक बदलाव करना चाहेंगे भोजपुरी में अगर आपके हाथ में ये चीज़ हो तो? बस जो गाने वाने आते हैं थोड़ा वो लाउड स्पीकर बजते हैं ना जी, तो लाउड स्पीकर बजने का मतलब होता है कि उस पर हज़ारों लोग सुनेंगे, तो उसको थोड़ा सा मतलब अश्लीलता जो है उसको कम करने का कोशिश करेंगे लोग तो अच्छा होगा। और भोजपुरी फिल्मों को लेकर अच्छा बनाए, जैसे कि साउथ बनाते हैं तो डबिंग करते हैं तो पूरे इंडिया में चलती है, क्योंकि उनका ओनली होता है साउथ, तेलुगू तमिल ये सब भाषा होता है ना उनका लैंग्वेज, तो वो हिंदी में डब कर देते हैं, तो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अच्छा मूवी बनाते हैं, तो हम लोग भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं जी, पसंद करते हैं है ना। तो ऐसा भी भोजपुरी बने जो हिंदी में डबिंग हो तो सभी लोग देखें, सभी लोग देखेंगे। चलिए मनी भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आप बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाइए, हम लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, और ऐसे ही बिहार का नाम और आगे करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट में हमारे दर्शकों से क्या कहना? बिल्कुल इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ब्लॉग बनाना बहुत मेहनत और खर्च भी होती है, टाइम बहुत बर्बाद होता है, लेकिन टाइम आप लोग बर्बाद नहीं करने दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा। द बिहारी गाइज, अच्छा द बिहारी गाइज काफ़ी अच्छा नाम है तो प्लीज सपोर्ट सब लोग, तो हम लोग द बिहारी गाइज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जय बिहार, जय भोजपुरिया।